नाजिन अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर एक नज़र। IMEC में आलमी समंदरी सनद को तब्दील करने की सलाहियत है, मोदी का बयान। KDR को चीफ मिनिस्टर बनाने पर BRS में बगावत यकीनी, डी अरविंद। मुल्क की तकसीम कभी नहीं होनी चाहिए थी, तकसीम तारीख गलती, असदुद्दीन ओवैसी। BJP से दोस्ती के फैसले पर JDS में फूट, CM इब्राहिम की पार्टी क़यादत के खिलाफ बगावत। नाजिन अब खबरें तफसील से। IMEC में आलमी समंदरी सनद को तब्दील करने की सलाहियत है, नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरमाकारों और ताजिरों को G20 के नए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC में शामिल होने की दावत दी है और इसे दुनिया भर में समंदरी सनद को नए सिरे से बहाल करने का काबिल करार दिया है। मिस्टर मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो लिंक के जरिए मुंबई में मुनाक़िदा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन का अफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब किया। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकांत शिंदे, गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत, मरकजी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल समेत कई दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अमृत कॉल विजन 2047 भी जारी किया, जो बहरीन की नई मईशत के लिए एक ब्लूप्रिंट है। इस मंसूबे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का अफ्तिताह और संग बुनियाद रखा, जो बहरीन की नई मईशत के लिए अमृत कॉल विजन 2047 के मुताबिक है। मुस्लिम नौजवानों को गुस्सा के रसूल राजा सिंह का इंतबाह। मुअत्तल BJP क़ायद राजा सिंह ने शहर के गरबा मुंतजमीन पर जोर दिया है कि नवरात्रि प्रोग्राम्स में गैर हिंदुओं के दाखिले से रोके, जो आइंदा हफ्ते मुनक़िद होने वाले हैं। रुकन असेंबली कुशा महल ने गरबा के 10 मुंतजमीन को लिखा है कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद जैसे मामलों से बचाए रखे और गरबा के मुकामात पर सिर्फ हिंदुओं को ही दाखिला दे। रुकन असेंबली कुशा महल ने कहा कि गैर हिंदुओं बशमूल बाउंसर, सिक्योरिटी गार्ड्स, DJs, केटरिंग स्टाफ, म्यूजिशंस और लाइटिंग पर्सनल को गरबा पंडल्स में ही दाखिला दे जाना चाहिए। अपने मकतूब में राजा सिंह लव जिहाद केसेस में इजाफे को हाई लाइट किया, बतौर खास डांडिया प्रोग्रामों में इनके ख्याल में आपसी बातचीत के जरिए जिसका आगाज होता है। मुल्क की तकसीम कभी नहीं होनी चाहिए थी, तकसीम तारीख गलती, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर के रोज़ हिंदुस्तान की तकसीम कभी नहीं होनी चाहिए थी, मुल्क की तकसीम एक तारीख गलती थी। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए हैदराबाद के MP ने कहा है कि तारीखी तौर पर यह एक मुल्क था, ताहम बदकस्मती से ये मुल्क तकसीम हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो फिर मुबाहिस का अहतमाम करें और मैं आपको ये बताऊँगा कि मुल्क की तकसीम के ज़िम्मेदार कौन है। इस वक्त में आपको मुल्क की तकसीम की तारीखी गलती का जवाब एक सत्र में नहीं दे सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने ज़राए अब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए यह बात कही। समाजवादी पार्टी के अकायद स्वामी प्रसाद मौर्या के तबसरे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब दे रहे थे। मौर्या ने यह तबसरा किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना के मुतालबे पर नहीं बल्कि हिंदू महासभा की कोशिशों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तख्लीक हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने मुजाहिद आज़ादी व मुल्क के अवलिन वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम की किताब इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ने का मशवरा दिया और कहा है कि किस तरह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस वक्त के कांग्रेस क़ायद के पास गए और इनसे कहने लगे कि मुल्क की तकसीम की तजवीज़ को कभी कबूल ना करें। मुल्क की तकसीम नहीं होनी चाहिए थी, यह गलत था। इस वक्त जो क़ायदीन थे वो तमाम मुल्क की तकसीम के ज़िम्मेदार हैं। अगर आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम का मुतालबा करें तो ये मालूम होगा कि मौलाना आज़ाद ने इस वक्त के तमाम कांग्रेस क़ायदीन से इल्तिजा की थी कि मुल्क को तकसीम ना करें। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त के मुमताज़ इस्लामी इस्कॉलर मौलाना आज़ाद दो कौमी नज़रिए के सख्त खिलाफ थे। KTR को चीफ मिनिस्टर बनाने पर BRS में बगावत यकीनी, डी अरविंद। BJP के रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने खदशा जाहिर किया है कि अगर KTR को रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो BRS में बगावत होगी, यह सियासी जमात 30 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर टी हरीश राव को पार्टी के अरकान असम्बली की बड़ी तादाद पसंद करती है। इस मसले पर खुफिया वोटिंग की जाए तो तमाम अरकान असम्बली मुतहद होकर हरीश राव को चीफ मिनिस्टर मुंतखब करेंगे। अरविंद ने ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से कहा कि BRS और कांग्रेस क़ायदीन को हल्दी और आम की फसलों से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने कांग्रेस और BRS के क़ायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो जिला निज़ामबाद में सनअतों कायम करने वाले हैं, सनअतकारों से कमीशन हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। निज़ामबाद के BJP MP ने कहा है कि ज़िले के 7 असेंबली हलकों से BJP की कामयाबी यकीनी है, तेलंगाना की आवाम रियासत में तब्दीली चाहते हैं।
बीजेपी से दोस्ती के फैसले पर जेडीएस में फूट, सीएम इब्राहिम की पार्टी क़यादत के खिलाफ बगावत। जनता दल सेक्युलर जेडीएस के सरबरा एचडी देवगढ़ के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के फैसले से पार्टी में फूट पड़ने का इम्कान है। सियासी तजुर्बेकारों का कहना है कि बीजेपी से दोस्ती के फैसले से पार्टी के दो हिस्सों में तकसीम होने का खतरा है। कर्नाटक जेडीएस के सदर सीएम इब्राहिम, जो जेडीएस को बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए इत्तेहाद में शामिल करने के सख्त मुखालिफ है, ने पीर को पार्टी के कुछ लीडरों से खसूसी मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी सरबराह देवगढ़ से कहा है कि वो बीजेपी के साथ ना जाएं। इन्होंने सनसनीखेज तबसरे करते हुए कहा है कि इनका जो ग्रुप है वही असल जेडीएस है। जेडीएस कर्नाटक के सदर की हैसियत से इन्हें रियासत में पार्टी से मुतालिक कोई भी फैसला लेने का इख्तियार हासिल है। अगर वो देवगढ़ कुमारस्वामी बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। हम बीजेपी के साथ ना जाने का फैसला कर चुके हैं। सीएम इब्राहिम ने कहा है कि जेडीएस के बहुत से एमएलए इनके रबते में है, लेकिन इन्होंने इनका नाम बताने से इनकार कर दिया। हमजिंस परस्तों की शादियों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हमजिंस परस्तों की शादी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि पार्लियामेंट को शादी को तस्लीम करने का हक है। अदालत कानून नहीं बना सकती, वो सिर्फ कानून की तशरीह कर सकती है। अदालत ने हुकूमत से कहा है कि इस बात को यकीनी बनाए कि हमजिंस परस्तों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। साथ ही अदालत ने कहा है कि हमजिंस परस्त जोड़ों को बच्चा गोद लेने का हक हासिल है। अदालत ने वाजह तौर पर कहा है कि हुकूमत इस मामले पर एक कमेटी बनाए और इन लोगों को हक फराहम किए जाए। सुप्रीम कोर्ट की आइनी बेंच ने 18 अप्रैल से इसके केस की समाअत शुरू की थी, जो 11 मई तक जारी रही। इस सिलसिले में अदालत में तकरीबन 20 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। आज 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। दिसंबर 9 कांग्रेस की हलफबरदारी तकरीब के बाद ही सरकारी मुलाजमत फराहम करने बोनी लड़की से रेवंत रेड्डी का वादा। हैदराबाद के नामपल्ली की एक बोनी लड़की रजनी को तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस इख्तदार में आने के फौरी बाद इन्हें सरकारी मुलाजमत फराहम करने का वादा किया। पुस्तखद लड़की रजनी ने आज रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और बताया कि इसने पीजी की तालीम मुकम्मल की, इसके बावजूद नौकरी नहीं मिली। रजनी ने रेवंत को बताया है कि इसे प्राइवेट कंपनियों में नौकरी भी नहीं मिल रही है, जिस पर रेवंत रेड्डी ने रजनी से कहा है कि चंद दिन में कांग्रेस इख्तदार में आने वाली है। हलफबरदारी तकरीब 9 दिसंबर को एलबी स्टेडियम में होगी, जिसमें सोनिया राहुल खड़गे आएंगे। कांग्रेस पार्टी इसी दिन आपको नौकरी देगी। रेवंत ने खुद रजनी के नाम से कांग्रेस का गारंटी कार्ड भरा। मोबाइल नंबर రాసుకున్నమ్మా, ఈ కాగితం నా దగ్గర ఉండదు, ఈ ఫైల్ నేను తీసుకున్నా. ఈ కాగితం తీసుకొని డిసెంబర్ 9 నాడు నాంపల్లి కాలేజీ మన ఎల్బి స్టేడియం ఉంది కదా, ఎల్బి స్టేడియంకు రా అనేది నాకు ఫాలో నంబర్ రాసుకోమా. నువ్వు నా నంబర్ రాసుకొని టచ్లో ఉంటుంది నేను కాశీ. ఇది నీ దగ్గర పెట్టు. हैदराबाद के एलबी नगर बस डिपो के करीब खातून कंडक्टर्स ने एहतजाज किया। शहर हैदराबाद के एलबी नगर बस डिपो के करीब खातून कंडक्टर्स ने एहतजाज किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खातून कंडक्टर श्री विद्या की खुदकुशी के लिए आला अहदेदार जिम्मेदार हैं। इन्होंने इस वाक़े के लिए जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। नागोल बंड लागोड़ा डिपो में श्री विद्या मुलाजमत करती थी। 2 दिन पहले इसने नींद की गोलियाँ खा ली थी, जिसके बाद इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इन्होंने विद्या के अरकान खानदान से इंसाफ का मुतालबा किया और इंतबाह दिया है कि इस वाक़े के जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। डिपोला वेधिंपलुन्नायंडि तनु जयपुर कॉलनी ड्यूटी चेस्तुंडे मा फ्रेंड श्रीविद्य जयपुर कॉलनीला डीआरएफ अनि कोंचेम मुंदुकु स्टाप उंटदि आडिकि पोकुंडा शिवालयं दग्गर मल्पिरंट कलेक्षन कलेक्षन अनि अडुगुतारु मम्मल्नि कलेक्षन अनि वेधिस्तारनि मल्ली वेरे बस पोते कलेक्षन मिस् अवुतामनि मल्पिरंट दानिकि
రెండు మూడు రోజులు డిపోస్ పేర్లు పెట్టి మాస్టర్ ప్యాక్ చేసి ఆయత్ నగర్ పంపించారు. అందరికీ లీడర్లకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఏడ్చిందంట బాగా, నేను పోను అని. ఏం కాదు రెండు రోజులు పోయిరా అంటే ఇంక తను భరించలేకపోయింది. లోపల ఏమో అవమానించిరో తెలియదు. అవమానాలు అయితే ఉన్నాయి, లేవని కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నాయి, ఆమెకు ఒక్కదానికే కాదు. అవమానాలు అనేది భరించలేకపోయింది తను. అందరు పడుకున్న తర్వాత నిద్ర మాత్రలు తీసుకొని చనిపోయిందండి. బాధాకరం, బాధిస్తున్నాం మేము. అలాంటి పరిస్థితి ఇంకా ఏ మహిళా కండక్టర్కి రాకూడదు అని కోరుకుంటున్నాం. లేడీ కండక్టర్లను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళ ముఖ్యమైన కంప్లైంట్. దాంట్లో భాగంగానే మరి ఆమె ఏ తప్పు చేయింది, ఆమె మీద యాక్షన్ తీసుకునడం, అదేవిధంగా మహిళా కండక్టర్లను నైట్ డ్యూటీ లేయడం, ఇవన్నీ ఇక్కడ చేస్తున్న తప్పులు. కొంతమంది ఇందులోనే విభజించి పాలించినట్టుగా కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ను ఒకరిద్దరిని తీసుకొని వాళ్ళతోటి వీళ్ళ మీద ప్రెజర్ పెట్టడం, ఆ విధంగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా సఫర్ అయ్యి ఈరోజు ఇంతమంది మహిళా కండక్టర్లు అదేవిధంగా డ్రైవర్లందరూ వాళ్ళ గేట్ ముంగట కూర్చుండే వాళ్ళకి ఎన్ని సమస్యలు ఉంటే మరి రోడ్డు దాకా వచ్చారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ గత 9 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ రావడంలో పెద్ద పాత్ర పోషించింది ఆర్టీసీ కార్మికులు. వాళ్ళకి ఏ రకమైన సమస్య పరిష్కారం చెయ్యకుండా యూనియన్లను తీసేసి, ఆ రోజు యూనియన్లను తీసేసినాడు ప్రగతి భవన్కి తెచ్చుకొచ్చి ఒక పూట భోజనం పెట్టి మోసం చేసిన వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు ఆర్టీసీ కార్మికులకు. అదేవిధంగా ఆర్టీసీకి ఏ రకమైన ప్రభుత్వం తరఫున సహాయ సహకారాలు అందించకపోగా ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ బతుకుతున్న ఈ ఆర్టీసీని నాశనం పట్టించరు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నా. అదేవిధంగా వీళ్ళ డిమాండ్లన్నీ న్యాయమైన డిమాండ్లు ఉన్నాయి, అవి పరిష్కారం చేస్తామని ఇప్పుడే ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు యాదగిరెడ్డి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. తప్పకుండా ఆ చనిపోయిన వారి కుటుంబంలో ఒక ఉద్యోగం ఇస్తా, ఎంబటే లోవర్ రాస్తే వాళ్ళకు ఒక ఉద్యోగం ఇస్తా అని చెప్పడం కూడా జరిగిందని, అదే కాకుండా వాళ్లకు తక్షణమే చౌకర్సుల కింద డబ్బులు కూడా ఇస్తా అని చెప్పారు. అవన్నీ తీసుకొని మరి వాళ్ళ ఇంకా కొన్ని డిమాండ్లు ఉన్నాయి, అవి కూడా పరిష్కారం చేస్తే ఈ సమస్య. ముంబై మే జరే తామీర్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ మునద్దం బడా హదేసా టల్ గయా. జరా కే ముతాబిక్ పుల్ గిరనే కా వాక్యా ఆజ్ సుబహ 8:30 పర్ పేష ఆయా. అచానక్ ఆలా సుబహ చెప్లూన్ మే ముంబై గోవా హైవే కే 4 లైన్ కి జరే తామీర్ పుల్ గ్రేడర్ గిర గయా. కుచ్ దేర్ బాద్ ఫ్లై ఓవర్ కా ఏక్ హిస్సా గిర గయా. పుల్ పర్ కామ్ కర్నే వాలీ క్రేన్ భీ ముకమ్మల్ తౌర్ పర్ తబాహ్ హో గయి. ఇస్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ మే జుమ్లా 46 పిల్లర్స్ హై. సుబహ 8:30 పర్ బిజ్లీ కే పుల్ కే దర్మియాన్ హిస్సే కే 2 గర్డర్స్ అచానక్ టూట్ గయే. పుల్ కే 6వే సుతూన్ తక్ కా కామ్ ముకమ్మల్ హో చుకా హై. లేకిన్ పీర్ కి సుబహ అచానక్ ఫ్లై ఓవర్ కా గిర్డర్ గిరనే కి వజహ సే జోర్దార్ ఆవాజ్ ఆయి. తాహమ్ దోపహర్ 2 బజే సే 2:30 కే దర్మియాన్ ఏక్ ఫ్లై ఓవర్ గిర గయా. ఇస్కే అలావా ఇస్ పర్ కామ్ కర్నే వాలీ క్రేన్ కో భీ मुकम्मल नुकसान पहुंचा है. खुश किस्मती की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. हादसे की तस्वीर CCTV में कैद हो गई. जरा के मुताबिक मुंबई गोवा हाईवे पर चपलून में फ्लाई ओवर का काम चल रहा है. जब तक KCR जिंदा रहेगा तब तक तेलंगाना रियासत. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक तेलंगाना सेक्युलर रियासत बनी रहेगी. जनगांव में BRS पार्टी के जलसेआम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों से अपील की है कि वो रियासत में अमन कायम रखने के लिए BRS हुकूमत को दोबारा इख्तदार में लाएं. उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक अमन पसंद रियासत है. 10 साल में रियासत काफी तरक्की किया. हमने पहले तेलंगाना में कांग्रेस की 10 साल हुकूमत थी. कांग्रेस हुकूमत ने 10 साल में अखिलतों के लिए 950 करोड़ रुपए खर्च किया और इनकी हुकूमत ने 10 साल में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए. चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अखिलतों के लिए बड़े पैमाने पर अकामती स्कूल कायम किए हैं जिसमें अखिलतों के लड़के और लड़कियाँ अंग्रेजी मीडियम की तालीम हासिल कर रहे हैं. लेकिन 10 साल में BRS सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया और किस प्रकार का रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे, हमारे खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे तुलबा किस प्रकार का इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हासिल कर रहे हैं ये आप लोग जानते हैं. इसीलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं जब तक KCR जिंदा रहेगा तब तक तेलंगाना रियासत एक सेक्युलर रियासत बने रहेगा और ये मैं आपको वायदा करता हूँ. यहाँ कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता. हमारा गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं. अमन पसंद तेलंगाना रियासत भारत के लिए एक मिसाल बन गया है. आगे भी सभी मिलकर हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं. TPCC के सदर रेवंत रेड्डी को पुलिस ने किया गिरफ्तार. CM KCR को चैलेंज करने के बाद रेवंत रेड्डी गन पार्क पहुंचे. तहम गन पार्क पर भारी पुलिस तैनात की गई थी. रेवंत रेड्डी को शोहदा के स्टोपा के करीब जाने से रोक दिया. इसको लेकर कांग्रेस लीडरों और पुलिस के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई. पुलिस ने रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया. Yeah!
పర్మిషన్ ఎందుకు मौलाना सैयद मोहम्मद गौस खादरी कलीमी मुतवली व सदारा नसीन आस्तान खुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आज आस्तान खुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह हाईटेक सिटी में मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की और आवाम से गुजारिश की है कि वो इसराइली सामान को बायकॉट करें। बरकात हो तमाम मुसलमान ने हैदराबाद से अपील करता हूँ कि वो इसराइल में फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत बेरहमाना जुल्म सितम कि आखिरी हद ख़त्म हो गई है। कई हज़ारों आदमी लब्बे अजल हो गए हैं, कई लाख आदमी बेघरों सर्व सामान हैं। तमाम मजलूम जुल्म की इंतहा कर दी गई है। तमाम हैदराबाद के मुसलमानों से अपील करता हूँ इसराइल की बनी हुई अशिया का बायकॉट करें और अपने अपने मसाजिद में दरगाहों में खानखाहों में दुआ का एहतमाम करे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाए, दुआ मांगे फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला गैब से मदद करने की दुआ करता। राजेंद्र नगर CCS ने दो आदि सारेहों गिरफ्तार करते हुए 12 लाख रुपए का मसरूखा माल बरामद कर लिया। शंकरपली पुलिस और CCS राजेंद्र नगर की टीम ने दो बदमाशों गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 190 ग्राम सोना, 130 ग्राम चांदी, एक बाइक और दो स्मार्ट घड़ियां जुमला मालियाती 12 लाख रुपए जब्त किए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मस्कुरा गिरफ्तारी पुलिस की निगरानी में की गई। आर जगदीश्वर रेड्डी DCP राजेंद्र नगर जोन, एस रश्मि पेरोमल एडिशनल DCP राजेंद्र नगर जोन, एस लक्ष्मी नारायणा ACP नारसिंह डिवीजन के करीब से निगरानी कर रहे हैं। मिस्टर जी विनायक रेड्डी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शंकरपली, PS नरसैया इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस CCS राजेंद्र नगर, ए नागराजू डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शंकरपली, PST सत्यनारायणा, DSI शंकरपली, PSCC STM और PS शंकरपली की क्राइम टीम को इनके इस कारनामे पर इनाम दिया गया। शंकरपली पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में इस सिलसिले में हम दो मुजरिमों को राजगौड़ और शिवगौड़ बोल के ये लोगों को कल कस्टडी में लिए गए। ये लोगों के पोजीशन से अपना 19 तोला गोल्ड और 16 तोले सिल्वर, दो घड़ियां और एक बाइक सीज करे। जुमला मिला के अभी
चार केसेस में ये लोग भूल करे। इसके पहले भी राजू गौड़ 31 केसेसों में उन्होंने एक्यूज्ड है। पूरा संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट पुलिस स्टेशन में उसका मोडस ऑपरेंडी यही है। जो घर को ताला रहता वो तोड़ के अकेले ऑफेंसेस करता और साथ में दूसरों को ले लेता। अभी ये चार में अपना शिवा गौड़ बोल के उसका कजिन ही है। ये दो जने अपना, एक जने राजू गौड़ इसनापुर के हैं, अपना शिवा कड़वेमला ये संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। बॉर्डरिंग रहता उसका शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन के नज़दीक में। अभी राजू गौड़ के ऊपर पीडी एक्ट कार्रवाई करने के लिए हम पेपर्स तैयार करते। वो फिट केस है, उन्होंने रिपीटेड अफेंडर है। पूरा 12 लाख बरामद हुए एलेवन से। या ये जो अच्छा काम करे अपना राजेंद्र नगर सीसीएस इंस्पेक्टर नरसिम्हा वो लोगों का टीम, और अपना शंकरपल्ली एसएचओ विनायक और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अच्छा काम करके ये लोगों को पकड़े, वो लोगों को रिवार्ड भी अभी दे रहे हैं। नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बटन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।